हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई माय एस माई नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको 11 फरवरी 2021 के अखबार में क्या क्या पढ़ना है स्टार्टिंग फ्रॉम द हिंदूज फ्रंट पेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की फ्रंट पेज पे विच इज़ इंडिया चाइना डिसेजमेंट बोथ साइड्स डिस फ्रॉम पेंगोंग लेक एरिया सेज़ चाइना सो so फाइनली करीब 10-11 महीने के स्टैंड ऑफ के बाद जो कि अप्रैल में स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2020 में तब से लेकर अब तक द फोर्सेस ऑफ इंडिया एज वेल एज चाइना देवर एट आई टू आई आई बॉल टू आई बॉल पोजिशन ऑन इन ईस्टर्न लद्दाख और जो एरियाज इसमें इन्वॉल्व थे देवर गोगड़ा एरिया हॉट स्प्रिंग पेंगोंगसो एंड गलवान वैली ये चार एरियाज थे जिनके नाम आपको पता होने चाहिए ये चार प्राइमरी एरियाज थे जहाँ पर इंडियन और चाइनीज फोर्स में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी वर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम बोथ इंडिया एज वेल एज चाइना एंड वर स्टेशन देअर इतने ज़्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में भी दिसंबर जनवरी में वहाँ पर स्टेशन रहे नाउ फाइनली चाइना हैज़ अ दैट इट विल विदड्रॉ इट्स फोर्स टू द प्री एप्रिल पोजिशन दैट वॉज इंडियाज इंसिसटेंस क्योंकि ये एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक टेक्निक है चाइना की टू स्टेप्स फॉरवर्ड वन स्टेप बैक कि वो एक बार इंकर्जन कर लेंगे उसके बाद टॉक्स करके वो थोड़ा सा मना लेंगे दूसरी कंट्री को दैट ओके वी विल गो बैक टू दिस पॉइंट नॉट टू द प्रीवियस पोजिशन बट अब इट हैड ऑफ दैट पोजीशन लेकिन इंडिया इस पर कभी अग्री किया नहीं और इनफैक्ट इंडिया ने भी जाकर कुछ पोजिशन पहले ऑक्यूपाई कर ली पहले नहीं मतलब उनसे पहले जाकर पोजिशंस ऑक्यूपाई कर ली सो नाउ बोथ कंट्रीज हैव समिप्यूटेड लैंड इन देयर ओन अंडर देयर ओन कंट्रोल इंडिया के पास भी कुछ ऐसा लैंड है जो चाइना क्लेम करता है और चाइना के पास भी ऐसा कुछ लैंड है जो इंडिया क्लेम करता है सो नाउ बोथ ऑफ दैम हैव अग्रीड टू गो बैक टू देयर प्री अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी पोजिशन यानी कि टू मेनटेन द स्टेटसो एंटी एंड दैट इज अ गुड न्यूज़ तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज बन जाती है आपके आई आर परस्पेक्टिव से इसके सारे डायनामिक्स आपको पता होने चाहिए यू शुड रीड दिस सेकेंड ट्विटर मस्ट फॉलो इंडियन लॉज से तो सेंटर गवर्नमेंट ने हेटफुल या फिर यू कैन से ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट्स को बैन करने की डिमांड की थी ट्विटर से और बहुत सारे ट्विटर uh, हैंडल्स को डिसकंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट की थी बट ट्विटर रिफ्यूज टू अवॉइड बाय सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट तो अब सेंटर ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो भी हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपको माननी पड़ेगी अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू तो अब ये देखना है कि ये टसल कहाँ जाती है कोर्ट केस होता है या नहीं अल्टीमेटली यहाँ पे आपको पॉलिटी का एंगल आ जाएगा कि क्या जो गवर्नमेंट इस तरह की रिस्ट्रिक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाती है इज इट अकिन टू और इज इट सिमिलर टू द रिस्ट्रिक्शन दैट द गवर्नमेंट पुट्स ऑन द मास मीडिया ऑर्गेनाइजेशन लाइक न्यूज पेपर्स एंड टेलीविजन कि क्या ये सेंसरशिप है या नहीं इज इट रीजनेबल और नॉट ये काफी सब्जेक्टिव इशू है क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा रीजनेबल होता भी है कि सरकार को कुछ चीज़ों को बैन करना पड़ता है जैसे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो कोई ट्विटर हैंडल चला रही है विच हैज़ बिन प्रूवन ऑफ ऑल्सो कि ट्विटर से बहुत सारे टेररिस्ट रिक्रूट हुए हैं इन द पास्ट जैसे आईसीस ने रिक्रूट किए हैं तो उसी तरह से अब भी सरकार का कहना है कि कुछ इस तरह के सिख एक्सट्रीमिस्ट हैंडल जो है वो चल रहे हैं जो कि जो फार्मर एजुटेशन है उसको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहे हैं सो गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू स्टॉप सम ऑफ दोज अब वो रीजनेबल है या नहीं दैट इज़ फॉर द कोर्ट टू सी ऑन अ केस बाय केस बेसिस हो सकता है कुछ अकाउंट्स उसमें से बंद करने रीजनेबल हो कुछ ना भी हो सम अकाउंट्स में भी सच जो कि बिल्कुल एकेडमिक क्रिटिसिज्म कर रहे हो सरकार का विच इज़ फाइन वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में आता है लेकिन उसकी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं स्प्रेडिंग हेटरेड स्प्रेडिंग अनईज इमोरल या फिर आ, हमारे देश के दूसरे देशों से संबंध खराब करने वाली चीज़ें ये सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैं तो अगर वो उस रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन में आते हैं तो फिर कोर्ट उसको नहीं अलाउ करेगी अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आते हैं देन दे विल बी अलाउड तो ये एक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन दैट यू शुड हैव ऐसा नहीं है कि सभी अकाउंट्स बैन कर दिए तो सेंटर इज रॉन्ग या सभी अकाउंट्स बैन कर दिए तो वो अच्छा किया सेंटर ने ये दोनों ही ओपिनियन गलत हैं इट शुड बी कि केस बाय केस बेसिस पे देखा जाए कि क्या वो लॉ को वायलेट कर रहे थे या नहीं और अगर कोई ऐसी सिंगल पॉलिसी नहीं है हमारे पास कि गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकती है देन सच अ पॉलिसी शुड बी इवॉल्व फॉर सेंसरशिप या फॉर रेगुलेशन रेगुलेशन इज़ अ बेटर वर्ड फॉर रेगुलेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्योंकि अभी तक तो हमारे पास एक प्रिंट मीडिया था एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था न्यूज़ एंड ऑल एंड देन देर इज दिस न्यूज़ चैनल्स लेकिन जो सोशल मीडिया है दैट इज नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ ट्रबल क्रिएटर तो इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए कोई पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए दैट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस न्यूज़ उसके बाद चलते हैं हम आगे एडिटोरियल पे चलते हैं मीडिया इज टारगेट क्रिटिकल एक एडिटोरियल है ये मीडिया इज टारगेट कि कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड्स पड़ रही हैं सर्चेज हो रहे हैं नाउ अगेन दिस इज सब्जेक्टिव पॉइंट वी डू नॉट नो वेदर दोज रेड्स आर जेनुइन और नॉट लेकिन एडिटोरियल कह रहा है कि अगर वो जेन्युइन नहीं है देन देयर शुड बी एक्शन अगेंस्ट इट ऑफ कोर्स ये आपको पढ़ लेना है उसके बाद ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ एसएआरएस कोवी2 तो कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम चाइना में है जो तो दूसरा एडिटोरियल उसके ऊपर है तो उसका ओरिजिन पता लगाना बहुत जरूरी है ताकि आगे से इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स जो है वो पूरी दुनिया में रोके जा सके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जा सके जो कि पूरी दुनिया की सारी वेट मार्केट्स में या फिर नॉन वेट सेलिंग मार्केट्स में इंप्लीमेंट हो ताकि पता चल सके ताकि इस तरह के अगले किसी वायरस को रोका जा सके एटलीस्ट देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द एंटायर वर्ल्ड आई के ऊपर ही एक और आर्टिकल है पेज नंबर सेवन पे आप पढ़ सकते हैं स्पेसिफिकली आज इसलिए आया है क्योंकि इंडिया चाइना ने डिसंगेज करना शुरू कर दिया है बॉर्डर पे टेकिंग द लॉन्ग व्यू विद चाइना तो मुकुल संवल जी ने ये आर्टिकल लिखा है और इनके अकॉर्डिंग पंजाब सॉरी इंडिया और चाइना इनफैक्ट अगर उसमें हम रशिया को भी जोड़ दें तो ये दो या तीन कंट्रीज़ मिलकर पूरे वेस्ट को बायपास कर सकते हैं दे कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट दे कैन एक्चुअली ब्रिंग एशियन सेंचुरी तो ये एक बहुत बड़ा थाट है जो आपको पता होना चाहिए ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज गोइंग टू भी एशियन सेंचुरी तो वो तभी पॉसिबल है अगर ये बड़े बड़े जो पावर्स हैं इंडिया चाइना रशिया साथ मिलकर काम करें ना कि एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आकर सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड आर्टिकल तो ये भी फर्स्ट पेज से कंटिन्यूड न्यूज है पेज नंबर नाइन पे इंडिया चाइना अग्री टू रिटर्न टू प्री अप्रैल 2020 पोजीशंस ये भी आपको उसी के साथ आपको ये न्यूज पढ़नी है Then, uh, के बाद आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पे म्यांमार में जो चल रहा है ये कंटिन्यूटी में एक न्यूज है जो आपको फॉलो करनी है म्यांमार में एक मिलिट्री कू हुआ है उसके क्या है, कहां कहां पर इस कहांटेक्स में आपको इंडिया का नेबरहुड पूरा स्टडी करना चाहिए कि इंडिया के नेबरहुड में कहां कहां पर मिलिट्री कू हो चुका है पाकिस्तान में बहुत बार हो चुका है बांग्लादेश में हुआ है कहां कहां पर हुआ है और इंडिया डेमोक्रेसी इन इंडिया नेबरहुड ज इन इंडियाज इंटरेस्ट तो अगर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है ऐसी कंट्री से जिसे इंडिया अपने बॉर्डर शेयर करता है कंसर्न फॉर इंडिया तो ये से भी आपको सोचना है चाइना हैड नो रोल इन श्रीलंका डिसीजन ऑन ई सी टी तो जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर निकाला गया है श्रीलंका ने जो निकाला है उसके ऊपर श्रीलंका ने क्लैरिफाई किया कि चाइना का उसमें कोई रोल नहीं था बिकॉज वी ऑलवेज सस्पेक्ट दैट चाइना हैजे रोल टू प्ले अगर हमारे इसी भी अपने नेबरिंग कंट्री से रिलेशन खराब हो रहे हैं कि चाइना भी अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है हम तो कर ही रहे हैं so सो श्रीलंका ने शायद हमें बाहर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी है उसके बाद हम आते हैं सेकेंड न्यूज पे विच इज द इंडियन एक्सप्रेस सो अगेन यहां पर भी वही न्यूज है चाइना अनाउंस सिंक्रोनाइज एंगेजमेंट राजनाथ स्टेटमेंट टुडे उसके बाद हम आते हैं अगले पेजेस पे चलते हैं सो इन इंडियन एक्सप्रेस ट्राई टू कवर दोज न्यूज दैट आर नॉट कवर्ड इन योर द हिंदू

एंड प्लग गैप्स इन रिसर्च तो जो अभी उत्तराखंड में ट्रेजडी हुई है हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly वो अभी क्या है दाइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अटन कि क्या वो ग्लेशियर लेक बर्स था या वो एक सिंपल एवेलॉन्च था देट इज़ वट साइंटस्ट आर ट्राइंग टू अ सर्टन तो उसपे हमें एन्वायरमेंट और डिवेलपमेंट को कैसे साथ लेकर चलना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी उसके ऊपर ही एक एडिटोरियल है आपको पढ़ लेना है देन इकोनॉमी के ऊपर आर्टिकल है बट यू कैन डू अवे विद एंड लेटस नाउ गो टू मोस्ट ऑफ द न्यूज यूल सी आर रिपीटेड फाइनलीट्स कम टू द एक्सप्लेन पेज द मूव टू प्राइवेटाइज बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको जरूर पढ़ना है द मूव टू प्राइवेटाइज बैंक रिसट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अनाउंस किया द टू मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल बी प्राइवेटाइज्ड तो इसके क्या इम्प्लीकेशनस होंगे क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छे से काम कर रहे हैं बेसिकली ये प्रपोजल है क्या और बैंक्स को नेशनलाइज क्यों किया गया था और अगर नेशनलाइज कर दिया गया था तो अब प्राइवेटाइज़ क्यों किया जा रहा है ये सारा रैशनल आपको पता होना चाहिए इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कुछ एक्सपर्ट्स इसको इसकी तारीफ भी कर रहे हैं सो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू डेवलप योर ओन ओपिनियन ऑन इट कि क्या बैंक्स को प्राइवेटाइज करना एक अच्छा स्टेप है इंडिया में राइट नाउ इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिनेरियो ये आर्टिकल आपको जरूर जरूर पढ़ना है राइट right, उसके बाद सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू ऑन द इकोनॉमी पेज यस ऑन द इकोनॉमी पेज देर इज वन न्यूज दैट यू हैव टू डू yes दिस वन important ग्रॉस npas of psbs ऑफ to 6.09 lakh ,00 crore in september 2020 लाख करोड़ इन सेप्टेंबर टू तो 2018 में 2018 की मार्च में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो 9 लाख करोड़ के आसपास थे वर क्लोज टू 9 लाख करोड़ रुपीस बट नाउ दे हैव फॉलन टू 6 लाख करोड़ राइट तो कैसे पॉसिबल हुआ ये हाउ इट पॉसिबल 2.5 लाख करोड़ रिकवर कर लिए गए हैं ढाई लाख करोड़ उसमें से रिकवर कर लिए गए हैं एंड सरकार उसको और ज्यादा रिकैपिटलाइज है इट्स अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू आपको जरूर पता होना चाहिए कि एनपीएस की सिचुएशन क्या है 2018 में 9 लाख करोड़ के एन हो गए थे इंडियन बैंकिंग सेक्टर के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब वो कम होकर छः लाख करोड़ पे आ गए हैं सो दिस मच हैज बिन ऑलरेडी रिकवर्ड यानी कि जो बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड जो है या इन्सॉलवेंसी एंड बैंकसी जो बॉडी बनाई गई है दैट इज़ वर्किंग रियली वेल इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट तो ये एक न्यूज़ है जो आपको जरूर करनी है सो दीज आर दिस इज़ ऑल दैट यू हैव टू रीड इन द न्यूज़पेपर टूडे इसके अलावा एक दो तो आर्टिकल्स और जो एडिटोरियल पेज पे थे रिगार्डिंग इकोनॉमी दैट यू कैन स्टडी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आप यही कोर्स हमारे पोर्टल पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर अगर आप क्लिक करेंगे यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट Thank you and have a nice day.